सीरत मुहम्मद की खुदा ने क्या बनाई नूर सी सूरत मुहम्मद की पसंद आती है मोमिन को सीरत मुहम्मद की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا فتاح يا فتاح। आज का टॉपिक है قصص الانبياء। इसमें आप लोगों के सामने हजरत शुएब अलैहि सलाम के मुताबिक शुएब अलैहि सलाम का किस्सा सुनाता हूं, जरा गौर से सुनें। हजरत शुएब अलैहि सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी थे, यानी कि हजरत शुएब अलैहि सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। आप मदीन में रहते थे। मदीन के बारे में फरमाया गया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक साहिबजादे जिनका नाम मदीन था, उनकी औलाद इस शहर में आबाद हो गई, इसलिए उसे मदीन कहा गया। मदीन बल्कि एक बस्ती में आपको हमारे शुएब अलैहिस्सलाम थे। तो मदीन के उस शहर के बारे में पहले सुनाए तो क्या है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे आपको बेटे का नाम मदीन था, उन्होंने उस शहर में आपको पैदा होकर उनके औलाद आपको वो शहर में आपको आबाद हुई, इसलिए आपको उनका वो बस्ती का नाम मदीन बल्कि नाम रखा गया है। आप पेड़ बकरियां पालते, उन्हीं बेचकर रोजी कमाते थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में रात दिन मसरूफ रहते, लोगों में तबलीग करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत सी बुराइयाँ थीं, वो झूठ बोलते, लोगों का हक गज़ब करते, कमज़ोरों का माल छीन कर अपना पेट भरते, बुतों की पूजा करते, ज़मीन पर फसाद मचाते और नाप तोल में कमी करते, जिसकी जब किसी को कोई चीज़ देना चाहते हो तो कम देते और किसी से कुछ लेना चाहते हो तो ज़्यादा हासिल करते। यानी कि ये क्या है, बोलते हमारे शुएब अलैहिस्सलाम को बकरियाँ पालते थे और उनको पाल कर अच्छा पालते थे और उसे को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में रात दिन मसरूफ रहते, शुएब अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते थे। और तबलीग का काम, जो आपको दीन फैलाने का काम, तबलीग का काम भी करते थे। और उसके साथ साथ शुएब अलैहिस्सलाम के कौम, वो जो शुएब अलैहिस्सलाम को जो कौम में नबी बनाकर भेजे अल्लाह को, वो कौम आपको बहुत बुरी थी, कहते बहुत आपको बिगड़ी हुई थी, बहुत झूठ बोलना, एक दूसरों को सताना, एक दूसरों का माल छीन कर खाना, ऐसा आपको कमज़ोरों पर आपको जुलूम करना और आपको नाप तोल में कमी करना, किसी के पास कोई चीज़ दिए तो कम देना और आपको दूसरे के पास से लेना हो तो ज़्यादा लेना, ये आपको शुएब अलैहिस्सलाम के कौम में ये मुसलसल चलता था। ये हद से बढ़ने के बावजूद आपको हद से बढ़ गया था, इसलिए को हमारे अल्लाह ताला आपको शुएब अलैहिस्सलाम को इस कौम पर नबी बनाकर भेजे। इस गुमराह कौम को राह रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उस कौम में आपको भेजे। और आपको आप अलैहिस्सलाम लोगों को नेक अमल करने की तलकीन करते, जब किसी से बात करते तो अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में बात करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जिससे भी बात करते, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या कौन भी हो, चाहे वो आपको अच्छा होशियार हो या आपको कम समझ हो, ये हर एक इंसान को ऐसा बात करते हैं, बात करने का अंदाज ऐसा होता है तो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी उनकी बात को जल्द अज जल्द समझ लेता था। वैसा आपको शुएब अलैहिस्सलाम बात करने का लहजा, नरम आवाज़ से बात करना, बहुत आपको एक बात करें तो भी आपको अच्छी तफसील से उनको आपको समझा कर बात करते थे, ये आपको शुएब अलैहिस्सलाम का बात करने का तरीक़ा था। आप जब वाज़ नसीहत करते तो इस तरह करते कि मामूली समझ रखने वाला भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। आप फरमाते कि जब किसी से लेन देन क्या करो तो मामला साफ रखो, इंसाफ से काम लो, लोगों का दिल ना दुखाओ, ना कमज़ोरों पर जुल्म करो। ये आपको मैं पहले ही बोला था कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी आपको हर शुएब अलैहिस्सलाम की बात को आपको समझ लेगा। चंद दिन ऐसा बात करेंगे कि उन लोग बात क्या बात करते हैं, उन क्या बोलने आते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम बात करने का ऐसा तरीका था कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी समझ लेंगे उन बात करने का, क्या बोलते हैं उन, क्या बोलने आते हैं, समझ नहीं देते। तो शुएब अलैहिस्सलाम आपको तलकीन बार बार आपको कौम को आपको तलकीन देते, ये आपको नसीहत करते कि तुम्हें आपको नाप तोल में कमी करो, ना को एक दूसरे को सताओ, ना को किसी का दुख दुखाओ, ना को ऐसा आपको
कमजोरों पर आपको जुल्म करना होगा, बिल्कुल। शुएब अलैहिस्सलाम बार बार तल्कीन देते, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कौम अल्लाह ताला की बंदगी उसके सिवा तुम्हारे और कोई महबूद नहीं, ना तो नाप और तोल में तुमको आसुदा देखना चाहता हूँ, मैं आने वाले अजाब से डरता हूँ। यानी कि शुएब अलैहिस्सलाम बोलेगा तुम्हें आपको नाप तोल में आपको कमी करने का रुका लो, क्योंकि मैं इसके बाद आने वाले अजाब से मैं डरता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला को मुझे आपको क्या भेजा है, नबी बनाकर तुम्हारे पर भेजा है, तुम्हें आपको मेरी बात को मान लियो और आपको इस्लाम कबूल कर लियो। बोलो हर शुएब अलैहिस्सलाम आपको उनको आपको ये करते थे। कौम के सरदार आप अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ शुएब माल हमारा 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 है, चाहे हम तोल में कम करें या ज़्यादा। उस शुएब जो हर एक कौम के एक सरदार रहते तो वो कौम के सरदार आपको शुएब अलैहिस्सलाम बोले थे ऐ शुएब ये आपको हमारा माल, हमें कम करेंगे ज़्यादा करेंगे हमें कैसा भी करेंगे तुम्हें कहीं आपको पूछते हैं, ये मामला हमारा मामला है, क्यों दखल करते हो, क्यों दखल देते हो, हम जो कुछ करते हैं हम ही अपनी समझ से करते हैं। ये आपको शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के सरदार बोलते हैं हमें आपको हमारा माल हमें कैसा भी करेंगे हमें आपको हमारे अपनी सोच से हम आपको इसे आपको ये कर देंगे, हमें आपको कारोबार कर देंगे, हमारी तिजारत है हमें आपको ये हमारा बिजनेस ये करके बोलते। तो आप अलैहिस्सलाम के कौम आप अलैहिस्सलाम कौम की बातें सुनकर फरमाते ऐ कौम ऐसी बातें ना करो कि ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। ये क्या है शुएब अलैहिस्सलाम बोलते थे ऐ कौम ऐसा बात नहीं करो, ऐसा बात करने से आपको तुम्हें सरासर आपको मुकम्मल अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तुम्हें करो बोलते तुम अल्लाह तुमने अल्लाह की नाफरमान कौमों को कौमों का हाल तो सुना होगा कि किस तरह उन पर आज़ाब नाजिल हुआ, कौम हूद कौम नूह कौम सालिह कौम लूत का गुजरा हुआ ज़माना हमसे दूर नहीं है। तो शुएब अलैहिस्सलाम बोलते रहते इससे पहले कौम तो नमालम ने क्या कौम हूद कौम लूत कौम नूह ये कौम पर क्या क्या आज़ाब आया है, बहुत आपको जो अल्लाह की बात को नहीं माने उनके पर क्या आज़ाब आया तुम खुद आपको जानते ही, उसके वास्ते तुम्हें अल्लाह की बात को मानो करो। शुएब अलैहिस्सलाम आपको बार बार आपको बोलते रहे ये बात हम सब जानते हैं कि ये कौम में किस तरह बर्बाद हुए, इन बातों का जवाब दो, क्या इन कौमों ने सच्चाई को नहीं ठुकराया था क्या उन पर अल्लाह का अजाब नहीं आया था, अगर तुमने भी सच्चाई को ठुकराया तो तुम भी पिछली कौमों की तरह अजाब में गिरफ्तार होंगे। तो शुएब अलैहिस्सलाम बोलते थे तुम्हें आपको मेरी बात को जवाब दो, इससे पहले कौम का तुमने भी आपको मालूम रहना इससे पहले कौम आपको कैसा आपको अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुए, अल्लाह की बात को सच्चाई को कौन आपको ठुकराए कि कौन सच्चाई को माने नहीं अल्लाह की बात को माने नहीं कि उन्हों कैसे हुए तुम ना मालूम, उसके वास्ते तुम्हें मेरी बात को मानो करके शुएब अलैहिस्सलाम बोलते थे अगर तुम्हें भी आपको ऐसा सच्चाई का रास्ता तुम्हें भी ठुकराया तो तुम्हारे पर भी ऐसा आपको पिछली कौम की तरह आपको तुम्हारे पर भी क्या होगा आजाद होगा करके शुएब अलैहिस्सलाम आपको उनको नसीहत करते अगर तुम ये चाहते हो कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो तो तुम लोग परवरदिगार की तरफ रुजू करो अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो बेशक हमारा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। तो शुएब अलैहिस्सलाम बोलते रहते अगर तुम्हें आपको अल्लाह के अजाब से बचकर अल्लाह की रहमत तुम्हारे पर होना चाहते हैं तो तुम्हें क्या करो अल्लाह से आपको अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ अल्लाह की बात को मानो अल्लाह के पास आपको गिड़गिड़ाओ अल्लाह के पास रहो अल्लाह के पास तौबा करो अल्लाह आपको बेशक आपको मेहरबान बहुत बड़ा मेहरबान है उन्हें आपको ज़रूर आपको तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे गलतियों को अल्लाह क्या करेगा माफ़ कर लेगा। वो शुएब अलैहिस्सलाम बोलते रहते आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बिरादरान कौम अल्लाह की बंदगी करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे रब की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है कि सीधा रास्ता ये है कि जब वज़न करो तो पूरा करो वज़न में कमी ना करो, ज़मीन पर फसाद ना मचाओ जबकि इस्लाह हो चुकी है उसमें तुम्हारी ही भलाई है, अगर तुम वाकई मोमिन हो और ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहज़न बनकर ना बैठ जाओ जो लोग खुदा पर ईमान लाए हैं उन्हीं खुद जो और खुदा के रास्ते पर चलते हैं उनको ना रोको। तो शुएब अलैहिस्सलाम को देखता अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है कि तुम्हें आपको सीधे रास्ते में जाना तुम्हें आपको नाप तोल में नहीं कमी करना ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया तुमने और आपको ज़मीन पर फसाद नहीं मचाना और आपको जो आपको तुम्हें आपको तुम्हारी इस्लाह होगी तो तुम्हें बेहतर है अगर इसमें तुम्हारी भलाई है तुम्हें आपको मेरी बात को मान लिए तुम्हें आपको नाप तोल में कमी नहीं करे इस्लाम कबूल कर लिया तो तुम्हारे लिए आपको ये क्या है भलाई है। बल्कि शुएब अलैहिस्सलाम को देखते अगर तुम आपको वाकई मुमिन हो अगर तुम्हें आपको सही में आपको मुमिन हो तो तुम्हें आपको तुम्हारी जिंदगी के बाहर रास्ते में आपको
तुम्हारी कामयाबी तुम्हें आपको देखेंगे, अगर तुम्हें आपको सच्चाई को ठुकराएंगे तो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। वो शुएब अलैहिस्सलाम बोलते हैं, हाँ शुएब अलैहिस्सलाम जिन जिन बातों की तबलीग करते थे, इससे ये बात मालूम होती है कि शुएब अलैहिस्सलाम के कौम तिजारत पेशा थी, वो तिजारत में बदनियादी करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। इनकी खराबियों को रोकने के लिए अल्लाह ने इस कौम की तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को मरूस फरमाया। कौम के सरदार शुएब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए थे, उन्हें अपने सरदारी पर घमंड था। आप अलैहिस्सलाम के तबलीग के जवाब में सरदार कहते कि हम तुझे और उन लोगों को जो कुछ जो तुझ पर ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, तुमको और तुम पर ईमान लाने वालों को हमारी बातें मानना पड़ेगा, हम जिसे पूछते हैं तुम्हें भी पूछना होगा, जो हम करते हैं वो तुम्हें भी करना पड़ेगा, तो करना होगा। ये आपको इस कौम के सरदार आपको बोलते कहते हैं शुएब तू आपको यहाँ से आपको बचकर जाने नहीं होगा, अगर तू आपको हमारी बात को मान लिया, हमें बोले तो सुन लिया तो तू भी बच जाएगा, और आपको जो मान पाई तेरे तुझे मान को जो भी ईमान कबूल करें वही बच जाएंगे, अगर नहीं माने आप तो हमें तेरे पर जुल्म करेंगे, तो आपको हमें कैसा करते को एहसास करना, तू भी आपको हमारी बात को सुनना, और आपको तू भी तेरा ईमान छोड़ को हमारे इसमें आना पड़ेगा, हमें आपको तेरे पर जुल्म करेंगे। आपको शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के सरदार आपको शुएब अलैहिस्सलाम को बोलते रहते। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हमसे ज़बरदस्ती मनवाया जाएगा, तो हम अल्लाह की तरफ से हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हादी है। तो शुएब अलैहिस्सलाम बोलते हैं क्या तुम्हें आपको मेरे पर तो शुएब अलैहिस्सलाम कौम के सरदार के पास बोलते कहते हैं क्या तुम्हें हमारे पर जुल्म करना चाहते, क्या हमारे पर जुल्म करना तो दूर की बात, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे पर आपको अल्लाह हमारी हिफाजत जरूर करेंगे। आपको शुएब अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपने फरमाया है हमारे रब हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, और तू बेहतर फैसला करने वाला है, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने राह रास्त पर आने से इनकार कर दिया। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको बोले कहते ए अल्लाह तू आपको बराबर फैसला दिखा दे, क्या करो तू आपको मेरे और आपको मेरे जो भी मेरे कौम ही उनके बराबर ठीक ठीक फैसला तू आपको बराबर फैसला करने वाला है। करको शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास आपको दुआ करते हैं। सरदार आपस में एक दूसरे से कहने लगे अगर हम में से कोई शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के सरदार आपको दूसरे लोगों के पास बोलते रहते हैं अगर तुम्हें शुएब अलैहिस्सलाम की बात आपको हमें और मैं और आपको तुम लोग आपको शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के सरदार बोलते हैं मैं और आपको तुम लोग आपको शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी करें, शुएब अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं वो बात सुने तो हम क्या हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे, उसके वास्ते शुएब अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानो, उनकी बात को नहीं मानो, उनकी बात को आपको बोलते इस पर झूठ ऐसा बोलते आपको शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के सरदार आपको शुएब अलैहिस्सलाम के कौम वाले को बोलते हैं। चुनाचे कौम ने आपकी बातों को झुठलाया, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के रवैये से मायूस हो गए और ये कहते हुए बस्ती से निकल गए कि ए बरादरान कौम मैंने अपने रब के पैगाम तुम तक पहुंचा दिए हैं और तुम्हारे खैरख्वाही का हक अदा कर दिया। तो शुएब अलैहिस्सलाम आपको इस बस्ती से निकलते टाइम क्या बोल रहे थे ए कौम मैं आपको मेरा जो फर्ज था मैं आपको जो अल्लाह मुझे आपको तुम्हारे तक पहुंचाने की जो भी हुक्म दिया था मैं आपको बात तुम्हारे पर पहुंचा ले हूँ, तुम्हें अब इसके बाद आपको तुम्हारे पैगाम तुम्हारे तक पहुंचा दिया, तुम्हारी खैर खाही का हक अदा कर दिया, तुम्हारे लिए कौन सी भलाई की बात है क्यों मैं भलाई की बात तुम्हारे तक पहुँचा लिया हूँ, तुम्हें इसके बाद ईमान कबूल करना तुम्हारा ये है। करको शुएब अलैहिस्सलाम इस बस्ती से निकल कर बोल गए। इसके बाद इन पर अल्लाह का अजाब आया। एक दिन ऐसा आया कि आफत उन लोगों पर एक ऐसा बादल आया आसमान से एक ऐसा बादल आया उसके अंदर आपको अंगार के आपको अपने घरों में आपको आंधा यानी कि घर अंगार है आपको ये आपको उनके ऊपर आपको बरसने लगी। ये आखिर ये हुआ उसके बाद आपको शुएब अलैहिस्सलाम की मालूम शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा सुने। अब शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में चार सूरतों में आया है, यानी कि शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में आपको चार सूरतों में कुरान में आपको अल्लाह ताला चार सूरतों में बयान करी तारीफ करी, सूरह आराफ में और सूरह शुअरा में और सूरह अनकबूत में, ये चार सूरह में आपको शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में आपको तज़किरा किया अल्लाह। हर शुएब अलैहिस्सलाम ने हर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तौल में कमी पेशी बुत परस्ती तमाम मालूमात में यानी कि शुएब अलैहिस्सलाम के कौम आपको बुत परस्ती करते थे और आपको नाप तौल में कमी करते थे और झूठ बोलते थे एक दूसरे को सताते थे।
ये आपको शुएब अलैहिस्सलाम की कौम वहाँ पे एकत्रित है। हर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार क्या आपको क्या बोले शुएब अलैहिस्सलाम को, बोलते ए शुएब तू ये दो बातों को तू जरूर रखो, ये होना जरूर होकर रहेगी, ये आपको जरूर होकर रहेगी कि हम तुझको और तुझ पर ईमान लाने वालों को बस्ती से निकाल देंगे और या तुझको मजबूर करेंगे कि फिर से हमारे दीन में आ जा। ये आपको मैं आपको क्या करेंगे तेरे पर फिर हम आपको जुल्म करेंगे क्या तो आपको हमारे दिल में वापस आ जाना रखो। अच्छा उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम के कौम पर कौन सा क्या आज़ाब आया था, इससे पहले मैं बोला था गर्मी का आज़ाब, फिर अल्लाह ताला ने बादल की टुकड़ी भेजी, फिर इसमें बादल के अंदर से आग के अंगारे बरसाए जिन्होंने उनको भून कर रख दिया। ये आज़ाब 7 दिन तक रहा। शुएब अलैहिस्सलाम के कौम में आपको कहाँ बारिश कहने के आग का आज़ाब, आग की बरसात पड़ी, इससे आपको वो कौम पूरे आपको भून कर आपको रास हो गए। और कौम जब अज़ाब इलाही से तबाह हो गई तो आप क्या कहते हुए बस्ती से निकले, तो शुएब अलैहिस्सलाम ये बरादरान कौम मैंने अपने रब की पैगाम तुम्हें पहुँचा दी और तुम्हारे खैरख्वाही का हक अदा कर दिया, बस अब मैं इस कौम पर क्यों अफसोस करूँ जो कबूल हक से इनकार करती हैं। जो अल्लाह ताला जब शुएब अलैहिस्सलाम इस बस्ती से निकले तो शुएब अलैहिस्सलाम बोले थे मैं आपको अल्लाह के पैगाम को पहुँचा लिया, सच्चाई सीधा रास्ता दिखा लिया, इन्होंने सीधा रास्ता ठुकरा है, सच्चाई को ठुकरा है, तो मैं इन लोगों पर मैं कहीं को रहम करना, मैं इनके ऊपर आपको कहीं को आपको ये करना अफसोस करना करो। शुएब अलैहिस्सलाम उस बस्ती से निकलते समय बवाल निकले, सबसे पहले लोगों पर टैक्स आपको हर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने मुकर्रर किया। हर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम चको सबसे पहले आपको टैक्स आपको ये करें और आपको शुएब अलैहिस्सलाम की खबर आपको खजर मौत पर वाकई है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दूसरे अंबिया के बारे में सुनेंगे। आप जो कुछ सुने इस पर हमें भी खासकर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صدق الله العظيم। جنت کس چیز سے بنی ہے اور جنت کیا چیز ہے؟ جنت سونے کی اینٹ اور چاندی سے بنایا گیا और उसके कंकरियाँ मोती के हैं। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है कि जन्नत की वसात ज़मीन और आसमान के बराबर है। जन्नत के अंदर ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जन्नत की मंजिल पाना है तो सबसे पहले मंजिल को पार करना है। सबसे पहली मंजिल क्या चीज़ है? सबसे पहली मंजिल खबर मुमिन बंदा से कहती है कि तू मेरे पीठ पर चलता है, तू मेरे पीठ पर चलता था और मेरे अतराफ इर्द गिर्द भागता फिरता था, आज तू मेरा है, मेरे अंदर आ, तेरा आना मुबारक हो। खबर उस बंदे के लिए यानी उस मुमिन बंदे के लिए कुशादा बन जाती है और जन्नत के दरवाजे उसके अंदर खोल दिए जाते हैं। अगर उसी खबर के अंदर फासिक मुनाफिक काफिर फाजिर बंदा हो तो खबर उस बंदे से कहती है कि तेरा आना ना मुबारक हो। खबर ऐसा तंग करती है कि उस बंदे की पसलियां आपस में मिल जाते हैं और उस बंदे पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। 70 अजदे उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अगर एक अजदा भी दुनिया के अंदर ढस दिया जाए तो हरियाली झाड़ हरगिज नहीं उग पाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सदक़ल्लाहु अज़ीम। आज मेरा मामा सलाम की मुतालिक है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हिस्सा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल यूसुफ़ कुरान में एक सूरत उतारे हैं।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आल में से हैं, उनके खानदान में से हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक ख्वाब देखते हैं, अजीब व गरीब ख्वाब, जिसमें क्या देखते हैं ख्वाब कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज सजदा करते हैं। तो ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम के पास बयान किए, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अरे बेटे, ये तुम्हारा ख्वाब जो है तुम अपने भाइयों को ना बताए, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, उसमें से 10 भाई एक माँ के थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दोनों एक माँ के बच्चे थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई जो थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे, वो समझते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगे जाकर नबूवत मिलने वाली है, मकाम मरतबा मरतबा मिलने वाला है। तो इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाए, तुम अपने भाइयों से इसके बारे में जिक्र ना करो, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं। तो भाई जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे वो सब जलते थे, वो सब आपस में मशवरा करते थे कि हमारा अब्बा मम्मी नहीं लगाते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यूसुफ को लगाते हैं, अपने करीब यूसुफ को रखते हैं, मम्मी नहीं रखते हैं। तो एक मरतबा क्या करते हैं, पूरे भाई आपस में मशवरा करके ये मशवरा करते हैं कि क्या किया जाए यूसुफ। तो उसमें से किसी ने मशवरा देता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए या उसको एक कुएं में डाल दिया जाए। तो दूसरी बात जो थी कुएं में डाल देने की, ये बात फैसला होती है। तो फैसला के बाद सारे भाई उनके अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और बोलते हैं, अब्बा जान, क्यों यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए नहीं भेजते, क्यों यूसुफ को हमारे साथ घूमने फिरने के लिए नहीं भेजते, क्यों? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहीं नहीं बेटा, मैं डरता हूँ कि यूसुफ को कहीं भेड़िया ना खा जाए, तुम उस वक्त गफलत में हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ हो जाए, इसलिए मैं डरता हूँ। तो भाइयों ने कहा, हमें जवान है, हम कुछ नहीं होने देंगे, कल हमारे साथ यूसुफ को भेजें। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे थे, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दोबारा दिन भेजते हैं। तो जाते हुए थोड़ी दूर जाने के बाद भाई लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ देते हैं और ऐसा जंगल में ले जाते हैं जहाँ ना पानी है, ना किसी के आने जाने का शक है, कुछ भी नहीं, अंधेरा, एक भयानक शक्ल का जंगल, बयाबान में ले जाकर वहाँ एक कुआं रहता है, उस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल देते हैं। तो अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाते हैं, अल्लाह बहुत बड़े ताकत वाले हैं, वो कुछ करने पर आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता। तो अल्लाह हजरत अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, जाओ जल्दी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को थाम लो, वो कुओं में गिरने से पहले पहले उनको थाम लो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ कर अपने बाजू में लेकर एक किनारे बिठा देते हैं। तो भाई समझते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुओं में डाल दें, मसला हल हो गया, तो सारे आ जाते हैं। तो आते हुए अब एक ड्रामा बनाते हैं कि अब्बा के पास जाकर बोलना है, ये सोचकर कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास क्या करते हैं, एक ड्रामा बनाते हैं उनके पास जाकर बताने के लिए। क्या करते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज निकाल लेते हैं, निकाल कर उसे एक भेड़िया जबा करके उस पर याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर वो खून लगा देते हैं और वो कुत्ता लेकर वो खमीज लेकर उनके अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास 10 भाई रोते हुए आते हैं और बोलते हैं कि हमें
यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यूसुफ को हमारे सामान के पास खड़ा करके हम दौड़ लगा रहे थे, दौड़ लगाने का खेल कर रहे थे। तो हम दौड़े तो उतने में यूसुफ को आकर भेड़िया खा लिया, देखो उसकी कमीज में खून है, कैसे खाया है भेड़िया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे, वो भी बोले मैं सब्र करता हूँ, अल्लाह मुझे आजमाते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं सब्र करता हूँ। तो चंद दिन के बाद उस कुएं के करीब एक काफिला आकर पहुंचा, तो काफिले को पानी की प्यास लगने की वजह से वो काफिला क्या करता है, डोल उस कुएं में डालते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल पर चढ़कर बैठ जाते हैं। जब वो काफिला, जब डोल डालने वाला डोल ऊपर ऊपर की तरफ खींचता है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं। तो आदमी शोर करते हुए कहता है आओ आओ देखो कौन आ गया है। यहाँ पर देखते हैं कि एक गुलाम है, उसको उठाकर तो वो कहते हैं ये गुलाम है। तो सब मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके जाकर मिस्र के बाजार में खड़ा कर बोलते हैं ये गुलाम है, इसको कौन खरीदेगा। तो अजीज मिस्र जो कि था मिस्र का वजीर, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लेता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन थे, अल्लाह आधी खूबसूरती दुनिया की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किए थे, बाकी आधी खूबसूरती सबको। तो ये अजीज मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर ले जाता है। तो वहाँ जाकर चंद, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो जाते हैं। वहाँ जाकर क्या होता है, अजीज मिस्र की बेटी ज़ुलैखा को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ख्वाहिश आ जाती है, तो बुराई की तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाती है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए बाहर की तरफ आते हैं और ज़ुलैखा पीछे पीछे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दौड़ती हुई आते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता खींचते हैं तो कुर्ता फट जाता है। आसी से मिस्र आ जाते हैं और देखते हैं ये मामला, तो ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगा देती है। तो ये तोहमत लगाने पर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा सोता हुआ रहता है और बच्चा जाकर बोलता है आसी से मिस्र, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता सामने से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं और ज़ुलैखा सच्ची है, और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और ज़ुलैखा झूठे हैं। तो देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, तो जान जाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में और समझते हैं कि अज़ीज़-ए-मिस्र तो बेकसूर हैं। ये जानने के बावजूद भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल देते हैं कि फिर ऐसी गलती ना हो सके। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का चर्चा सारे मिस्र में फैल जाता है। तो मिस्र की औरतें ज़ुलैखा से पूछती हैं क्या अपना खूबसूरत कौन है वो आदमी। तो ज़ुलैखा अजीज़ मिस्र की औरतों को एक हाल में जमा करके उनके हाथ में एक सेब और एक चाकू दे देते हैं। तो फरमाते हैं कि मैं जब तक इशारा ना करो उस वक्त तक ना इससे ना काटें। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उधर से गुजरते हैं तो काटने का इशारा करते हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और मिस्र की औरतें देखते देखते सिर्फ काटते काटते अपना हाथ भी काटना शुरू कर देते हैं। तो इतने खूबसूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कोई देखता तो कहता ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता। तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदखाने में डाल दिया गया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदखाने में जाकर वहाँ लोगों को दीन की दावत देते हैं, वहाँ दीन का काम करते हैं कि लोग वहाँ पर बुतों की इबादत करते थे, शिर्क में मुब्तला थे। तो हज़रत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करते थे, लोगों को दीन की दावत देते थे, पूछते कि ये तुम्हें कब से करते हैं, वो बोलते कि हमारे आबा और अजदाद यही करते थे, हम भी ऐसा करते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई खाने में उनको दीन की दावत देते हैं, भलाई के रास्ते की तरफ बुलाते हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था ख्वाब की ताबीर, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर जानते थे। तो वहाँ पर दो शख्स को
ख्वाब पड़ता है तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के पास आकर दरियाफ्त करते हैं। एक आदमी बोलता है कि मैं सर पर कुछ लिया हुआ हूँ, मुझे क्या करता है, परिंदे आकर मेरे सर पर ठोंग मारते हैं। और एक आदमी कहता है कि मैं शराब से मुतालिक कुछ बातें बताता है, तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिसे परिंदे आकर सर पर मार रहे थे उसे बोलते हैं कि तुम क्या हो, तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। और जिसे कहते हैं वो बोलते उसको हजरत मुसलमान बोलते हैं तुम्हें बादशाह के लिए साकी बन जाओगे, शराब पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हें अदा की जाएगी। तो ऐसे ही हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जो ख्वाब की तारीफ बोलते वो सच हो जाता, एक आदमी को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, एक आदमी को साथी की जिम्मेदारी देने के लिए बुलाते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे क्या करना है, तुम्हें बादशाह के पास मेरा जिक्र करना है, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम बगैर कसूर के कुछ भी गलती किए बगैर खैर खाने में पड़े हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि मेरे बारे में जिक्र करना। तो वो जाकर भूल जाता है। चंद दिन बाद बादशाह को एक अजीब अजीब ख्वाब पड़ता है, तो उस वक्त हर उस आदमी को इस परेशान के बारे में याद आता है। इंशाल्लाह इसके बाद अगले जुम्मा पेश किया जाएगा जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर दुआ करना।